तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पांच कुछ ऐसे बेस्ट हॉरर गेम्स जो आप आपके एंड्रॉइड फ़ोन पे खेल सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा ही कमाल के हैं। मतलब यार इनका वर्ल्ड, इनका मतलब एक गेम तो इनमें से ओपन वर्ल्ड है, कोई मल्टीप्लेयर है, और इनकी स्टोरी लाइन जो है ना बहुत कमाल की है। तो यार वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लेट्स स्टार्ट। तो हमारे हॉरर गेम्स की लिस्ट में नंबर 5 पर है हॉरर फार्म पम्पकिन हेड। इस गेम की स्टोरी लाइन ना यार कमाल की है। मतलब ये गेम एक हॉरर एडवेंचर टाइप गेम है, और इसमें आप जब इसको खेलोगे तो आपको बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा। तो इस गेम में बेसिकली होता ये है कि आप आपके घर में होते हो, और जैसे ही आपका गेम स्टार्ट होता है तो आप ये देखते हो कि आपका दोस्त गायब है। तो आप उसे ढूंढते हो इधर उधर, फिर आप ढूंढते ढूंढते आपके घर के गैरेज में जाते हो, और गैरेज में आप जैसे ही जाते हो तो वहाँ क्या होता है ना कि वहाँ पे आपकी साइकिल होती है, आपके दोस्त की नहीं होती है, आपके दोस्त की साइकिल गायब हो जाती है। फिर आपकी जो साइकिल है वो भी ऐसी, मतलब उसके टायर निकले हुए हैं, उसकी 12 बजी पड़ी रहती है। तो आपको पहले आपकी साइकिल को फिक्स करना रहता है, पूरा उसको बनाना रहता है अच्छे से, और फिर आपके दोस्त को साइकिल से ढूंढने निकलना है। फिर आप जैसे दोस्त को अपने साइकिल से ढूंढते हो तो ढूंढते ढूंढते आप एक फार्म पहुँच जाते हो, और वो फार्म बिल्कुल देखने में डरावना है, उसके ग्राफिक्स बिल्कुल ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है। फिर आप देखते हो कि उस फार्म में आपके दोस्त की साइकिल पड़ी हुई है। फिर आप आपके दोस्त को ढूंढने लगते हो, लेकिन फिर आपको मालूम पड़ता है कि उस फार्म में एक क्रीपी सा क्रिएचर जो है, मतलब एक पम्पकिन भूत है, वो आपके पीछे पड़ जाता है, और जो कि बहुत ही डरावना होता है और बहुत ख़तरनाक भी। तो आपको इसमें मिस्ट्रीज को सॉल्व करना रहता है और गेम में आगे बढ़ना रहता है। तो ये गेम बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, आप अगर खेलोगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। और दूसरी बात, अगर हम बात करें गेम की साइज़ की, तो गेम का साइज़ है कुछ अराउंड 80 MB, जिसमें यार आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो हमारे लिस्ट में चौथे नंबर पर गेम है, उसका नाम है द सीक्रेट एलिवेटर रिमास्टर्ड। ये गेम यार बहुत ज़्यादा ही कमाल का है, इस गेम के ग्राफिक्स। ये गेम बेसिकली ऐसा है कि इसमें ये गेम एक एटमॉस्फेरिक एडवेंचर है, जिसमें हॉरर एलिमेंट्स को ऐड किया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आप जिस गेम में होते हो तो आपको एक पर्सन का रोल लेना है जो कि उसके ही ड्रीम्स में ट्रैप्ड है, और उसमें उसको बिल्कुल नाइटमेयर्स आ रहे हैं अलग अलग, और फिर आपको उस गेम से निकलना है एक डोर को ओपन करके। बहुत ही ज़्यादा कमाल का गेम है, ऐसा लगता है कि आप आपके ड्रीम्स में फंसे हुए हो। तो अगर आप ये खेलोगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और गेम की वाइब भी बहुत हॉरर है, तो मज़ा तो आएगा ही। तो हमारे तीसरे नंबर पे जो गेम है वो है सर्ज्यूस ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल। ये गेम यार, इसकी गेम की साइज़ की बात कर ले तो सबसे पहले 270 MB का गेम है, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो ये गेम ना ओपन वर्ल्ड गेम है, और इसमें आपको ऐसे भूत देखने को नहीं मिलेंगे, इसमें आपको मतलब जॉम्बी, जैसे रेजिडेंट इविल टाइप का गेम है, इसमें आपको जॉम्बीज देखने को मिलेंगे। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भूत नहीं है तो हॉरर नहीं है, लेकिन ये ऐसा है कि आपको हर टाइम इसमें हॉरर वाइब आएगी। आप मतलब पूरी सिटी ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ जॉम्बी बचे हैं, और आपको वहाँ पर सर्वाइव करना है। आपके पास ना खाने के लिए कुछ है, ना पीने के लिए कुछ, ना रहने की जगह है, ना आपको कुछ पता है, बस आपको उसमें सर्वाइव करना है, सब कुछ खुद से बनाना है। और भाई साहब, आप खेलोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आप कहीं भी जा सकते हो, एक ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल गेम है। तो हमारे दूसरे नंबर पे जो गेम है वो है आइस स्क्रीम यूनाइटेड मल्टीप्लेयर। ये गेम एक मल्टीप्लेयर गेम है, जहाँ पे आप आपके दोस्तों के साथ भी इसको खेल सकते हो। तो इसमें बेसिकली ये रहता है कि आपने आइसक्रीम अंकल वाला गेम तो खेला ही होगा, तो इसमें पूरा वही सीन है, सब आइसक्रीम अंकल है। लेकिन इसमें अगर आप खेलोगे तो ये ऐसा है कि जब आप आपके दोस्तों के साथ खेलोगे तो उसमें आप स्विच कर सकते हो, आप खुद आइसक्रीम अंकल भी बन सकते हो, और आपके आप दोस्त भी बन सकते हो। तो आपको बस 10 मिनट में यहाँ से बाहर निकलना, मतलब 10 या 7 मिनट में आपको यहाँ से एस्केप करना रहता है। अगर आप नहीं कर पाए तो आपका दोस्त जीत जाएगा, और अगर आप कर गए तो आप जीत जाओगे। तो ये बहुत ही कम्पिटिटिव गेम है, हॉरर वाइब के साथ बहुत ही कमाल का गेम है। आप आपके दोस्तों के साथ खेलो, आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो इससे पहले कि हम हमारे पहले फर्स्ट गेम की ओर बढ़ें, तो इस चैनल को अभी जाके सेव कर लो और बेल आइकन को दबा लो, ताकि सबसे पहले वीडियो आप ही के पास आए। और हाँ, आप चैनल को विजिट करो, बहुत अमेजिंग वीडियोज़ हैं। मैंने अभी GTA 3 की रिमास्टर्ड की सीरीज भी चालू करी थी, और मैं इन गेम्स की सीरीज़ भी चालू कर सकता हूँ अगर आप कमेंट करोगे। बस आप गेम का नाम कमेंट करो कि आपको इनमें से सबसे ज़्यादा हॉरर गेम कौन सा लगा, तो मैं उस गेम की भी वीडियो ले आऊँगा। मैं जब भी गेम की वीडियो या सीरीज़ बनाता हूँ तो मैं ध्यान रखता हूँ कि गेम की जो स्टोरी लाइन है वो काफ़ी अच्छे से चले वीडियोज़ में, और स्टोरी में बहुत ज़्यादा मज़ा आए, इसलिए आप चैनल को विजिट करो। तो हमारे पहले नंबर पर जो गेम है वो है द मिस्ट्री ऑफ आइगनग्रो। तो इस गेम में यार होता क्या है ना कि ये गेम की सबसे पहले तो ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और इसकी साइज़ है 594 MB की। तो गेम में होता ये है कि जब हम सोकर उठते हैं तो हम एकदम से उठते हैं तो हमको लगता है कि हम एक अलग ही दुनिया में आ गए, और वो दुनिया को आप जब एक्सप्लोर करते हो
तो आपको मालूम पड़ता है कि यहाँ बहुत सारे क्रिएचर्स हैं, मॉन्स्टर्स हैं जो आप पे कभी भी हमला कर सकते हैं, और बहुत गेम की जो वाइब है ना वो भी बहुत ज़्यादा हॉरर है। और आपको इस गेम दुनिया से निकलने के लिए बहुत सारी मिस्ट्रीज और पजल्स को भी सॉल्व करना है, तब जाके आप इस गेम से बाहर निकल सकते हो। तो गेम बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार है, इसके ग्राफिक्स तो बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग है, तो गेम खेलो और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। यह बहुत हॉरर वाइब का गेम है, तो इस चैनल को अब भी जाके सेव कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि सबसे पहले वीडियो आप ही के पास आए। और मैं इन गेम्स की सीरीज़ भी चालू कर सकता हूँ अगर आप कमेंट करोगे, बस आप गेम का नाम कमेंट करो कि आपको इनमें से सबसे ज़्यादा हॉरर गेम कौन सा लगा, तो मैं उस गेम की भी वीडियो ले आऊँगा। तो तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।